खबर हो रही है उत्तर प्रदेश से है। सुबह से ही महिलाओं की वट वृक्ष के नीचे पूजा करने के लिए लंबी लाइनें लग चुकी हैं। धार्मिक मान्यता के तहत आज के दिन सती सवित्री अपने पति को यमराज से वापस मांग लिया। हिंदू महिलाओं के लिए सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। रानवे की न्यूज चैनल के लिए अश्विनी सिंह और यह उत्तर प्रदेश। पति के लिए मांगी जाती है, पति की लंबी आयु के लिए व्रत है। सुहागिन औरत करती है पूजा पति की लंबी आयु के लिए, और सुहागिन महिला व्रत की पूजा करती है। इसमें पुआ है, पूड़ी है, परगदा है, चने हैं और खरबूजा है, ये सारी चीज़ें सामग्री इकट्ठी करके पूजा करते हैं। इसका क्या महत्व आज के दिन? इसमें हमारे पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है कि माता सीता रानी ने जब वनवास हुआ था उनको, तो उन्होंने अशोक वाटिका में इस व्रत को रखा था, इसलिए अपने पति की लंबी आयु के लिए हर महिला अपने पति के लिए ही रखती है। सुख शांति समृद्धि की भी पूजा होती है, और क्या नाम वट वृक्ष माता हैं, ये हमें मतलब छाया शीतलता देती हैं, औषधि भी प्राप्त होती है उनसे, हमारे पितरों में भी काम आती है, इसलिए भी हम उनकी पूजा करते हैं। मेरी ये इच्छा है कि मेरी पति की लंबी बनो, और हम लोग जीवन हर जन्म में यही पत्नी रही आती है, और हमेशा हम लोग सुखी जीवन रहे, और आशी हो रही है कि हम लोग अपने पति के लंबी उम्र के लिए व्रत रख रहे हैं। यहाँ पे वो जो वृक्ष होता है उसके लिए बारह को बनाते हैं, जो मोए बनाते हैं, पूड़ियाँ बनाते हैं, और माला जो पहने तो उसको बनाते हैं, और फेरी लगाते हैं उसकी वट वृक्ष की।